Yo, a Federal Reserve flight just smashed down at Francis International. There's platinum all over the strip. Get a car and snatch up as much as you can. You can drop the bling off at one of my garages. This platinum is mad heavy, and it'll slow your wheels down some. So make regular drop-offs at the garage. ओके गाइस, तो हमारे फोन वाले खबरी ने एक बहुत ही ताजा खबर दी है कि भाई एयरपोर्ट के पास में एक हवाई जहाज क्रैश हो गया है, जिसकी वजह से रोड पर जहां तहां भाई प्लेटिनम बिखरी हुई है। और ये क्या साला आग लग गई भाई, बैठते की देर नहीं हो पाई। हद है भाई यार, ऐसे कैसे काम चलेगा भाई। इधर टाइम भी शुरू हो गया, चारों तरफ प्लेटिनम ही प्लेटिनम रोड पर फैला हुआ है। हमें वो प्लेटिनम जाके कलेक्ट करना है और भाई की गैराज में जाके रख देनी है। जहाँ कहीं भी उसकी गैराज होगी तो हमें पता चल जाएगा। लेकिन ध्यान हमें ये चीज रखना है कि जैसे ही हम प्लेटिनम को भाई कलेक्ट करेंगे, वो बहुत ही ज्यादा भारी है, तो जितना भी माल हम इकट्ठा करते जाएंगे उतनी ज्यादा हमारी गाड़ी की स्पीड भी स्लो होती रहेगी। तो हमें ध्यान रखना है कि कम से कम माल हम लें और उसे गैराज में जाके छोड़ते जाएं जल्दी से जल्दी। फिलहाल के लिए तो बस यही काम दिया है भाई ने, तो चलो यार जल्दी से पहुंचते हैं ठिकाने पर। थोड़ी सी गाड़ी दमदार गाड़ी की जरूरत थी, इसलिए मैंने भाई कोलंबियन गैंग वालों की गाड़ी छीन ली है। अभी इसको लेके जाते हैं। ओहो, ये रहा भाई माल ही माल। ओके, हमें पता है भाई हैवी हो जाएगी व्हीकल, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माल समेटेंगे पहले। तो भाई भाई साहब जहाँ तहाँ देखो भाई माल ही माल पड़ा है, लेकिन ये सोना लग रहा है भाई, प्लेटिनम तो लग ही नहीं रहा है बिल्कुल ही। ऐसा लग रहा है सोने के बिस्किट हो भाई, जैसे भाई डैनी वगैरह की मूवी जो होती है जिनमें भाई सोना रखा रहता है तिजोरियों में, वैसा वाला माल लग रहा है भाई। लेकिन एक चीज नोटिस करने वाली है गाइस कि हमारे पीछे पुलिस भी आ जाती है। ओके, मतलब माल हमने जैसे ही भाई गैराज में रख दिया, पुलिस चली भी जाती है। ये सही है भाई, चलो भाई दोबारा से माल बटोरते हैं। हमें गाइस 30 प्लेटिनम के टुकड़े कम से कम इकट्ठे करने हैं, तो जल्दी से जल्दी उठा लेते हैं भाई। चलो 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 भाई, गाड़ी भारी हो गई। अरे हट जाओ, रास्ता छोड़ दो। देख रहे हो गाइस कितना स्पीड में डिफरेंस आ जाता है। माल अगर हम ज्यादा उठाएंगे तो भाई चल भी नहीं पाएंगे। 23 हो चुके हैं गाइस, 10 और आ गए थे इस बार। ये तो बहुत ही सिंपल सा मिशन लग रहा है गाइस, इसमें कुछ ज़्यादा दम नहीं है भाई। 1 2 3 चलो चलो चलो, और कहाँ है भाई, और कहाँ है, और चाहिए भाई। अरे भाई रुक जा यार, रुक जा भाई, रुक जा, आराम से आराम से। ये हो गए 4, 30 करने हैं गाइस हमें, 5, एक और भाई। देख रहे हो भाई कितनी स्लो हो रही है ये, 6 7 8 भाई बहुत है इतने, बस भाई हो गए 30 तो आराम से हो जाएंगे। एक पुलिस भी आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहुंच जाएंगे हम आराम से। ज्यादा हैवी माल नहीं लिया अपन ने, वरना तो भाई चल ही नहीं पाती गाड़ी बिल्कुल ही। अबे हट जाओ सालो, कहाँ घूम रहे बीच रोड पे। अरे भाई पुलिस आ गई इस बार तो भाई, बैंड बज गई। भाई 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 क्या कर रहे हो। अरे पुलिस, अरे हट गया साली। बस बस होने वाला है गाइस, बस होने वाला है। अरे चल, अरे बैल की तरह हो रही है भाई ये तो, बीच रास्ते में जाके लूर जाएगी क्या भाई। बस थोड़ी सी और भाई, थोड़ी सी और, बस पहुंच गए बेटा, पहुंच गए। चल भाई ऊंट गाड़ी बन रही है फाइनली गाइस, $25,000 भाई। माली माल आन दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो गाइस काफी सिंपल सा था भाई, इसमें कुछ ज्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ी अपने को, आराम से भाई सामान कलेक्ट करना था बस। भाई भाग लेते हैं, अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं गाइस, और अपने लास्ट वाला मिशन जो था हमारा डोनाल्ड भैया का, वहीं पर पहुंचते हैं, क्योंकि ये हमने फोन बूथ वाला बीच में स्टार्ट कर दिया था। आई डोंट नो, मुझे लगा एक बार में खत्म हो जाएगा, लेकिन ये तो भाई चालू ही है। तो अभी हम पहुंचते हैं डोनाल्ड भैया के पास। डिकॉय, अ लेसन इन बिजनेस माय फ्रेंड। If you have a unique commodity, the world and his wife will try to wrestle it from your grasp, even if they have little understanding as to its true value. SWAT teams have cordoned off the area around my associate and the package. Get over there, pick up the van, and act as a decoy. Keep them busy, and he should make good his escape. ओके गाइस, तो डोनाल्ड भैया ने इस बार हमें बहुत ही ज्यादा खास काम दिया है, वही सिक्योरिटी वाला जो कि पहले दिया था। अगर तुम लोग भूल गए तो भाई मैं तुम्हें बता देता हूँ, क्योंकि बीच में ये फोन बूथ वाले भैया आ गए थे जिनका मिशन करने के लिए हमें जाना पड़ा था। तो लास्ट टाइम डोनाल्ड भैया का कुछ सामान था जो कि एक वैन में था, और उसकी सिक्योरिटी के लिए उन्होंने हमें बुलाया था भाई। तो उस वैन को हमने सही तरीके से सुरक्षित भाई उसकी जगह पर पहुंचा दिया था, लेकिन अभी हम जहां पर जा रहे हैं वहां पर ऑलरेडी पुलिस लगी हुई है, क्योंकि उनको पता चल गया होगा शायद की वैन में भाई जो सामान है वो ठीक नहीं है। और अभी हमें उस वैन को वहाँ से निकालना है और भाई इधर उधर भगाना है, कुछ भी करना है, लेकिन पुलिस को चकमा दे के भाई हमें निकलना है और उस वैन को भी निकालना है साथ में। तो बस यही काम है यार, छोटा सा काम है, अभी निपटा देंगे। ओ भाई ये क्या हो रहा है, आग क्यों लग रही है भाई। गाड़ी में अच्छी वाली चल रही थी भाई, क्या दिक्कत है। चलो कोई बात नहीं भाई, दूसरी गाड़ी मिल गई। निकलते हैं गाइस यहाँ से और पहुँचते हैं अपने ठिकाने पर। अरे 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 भाई 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 भाई, चार्जर मत बन भाई, दो पहिए
पे नहीं चलना, चार पे चल ले। ओके गाइस, फिलहाल हम पहुंच रहे हैं भाई अपने पॉइंट पर, जहां पर हमारी वैन रखी हुई है और वो सामान भी रखा हुआ है। देखते हैं भाई कौन है, कौन है सर जो गब्बर के इलाके में आ गया है। वैन देख रहे हो गाइस, देख रहे हो भाई, एक वैन सामने रखी है, उधर एक पीछे रखी है भाई। स्वॉट टीम जो कि भाई पहले ही पता चल गया था उनको, देख लो भाई वो रखी है गाड़ियां भाई, खतरनाक यार, ब्लैक कमांडो वाली गाड़ियां है स्वॉट टीम की भाई, गब्बर के इलाके में आई है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उड़ा देंगे सबको। चलो ओ भाई ऐसी की तैसी, ये क्या है, अभी तो मैं बैठा हूँ और 6 स्टार पुलिस। ओ शिट यार भाई, इसमें कौन सा बारूद लेके जा रहा है ये बंदा, हद हो गई भाई, पूरी लिबर्टी सिटी उड़ाओगे क्या इसमें, ऐसा क्या सामान है, परमाणु बम के कोड वोड है क्या इसमें, सीक्रेट वाले। अरे हट जाओ भाई पुलिस, गलती हो गई भाई, गलती हो गई यार, छोड़ दो भाई, बच्चे की जान लोगे क्या, 6-6 पुलिस भाई, ऐसा कौन सा अपराध कर दिया, अरे तेरी भैंस की टांग, छोड़ दे मुझे भाई, पुलिस बड़ी तगड़ी हो गई है भाई, अब तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ले साली जा, तू जा रहा आगे भाग रही है ना, भाग ले। चलो भाई कैसे भी करके भाई हमें टाइम निकालना है, दो मिनट निकाल लिए गाइस बस, और डैमेज नहीं होनी चाहिए भाई गाड़ी। भाई एरोप्लेन वाली जगह पे आ गया हूँ मैं इसलिए कि खाली मैदान रहेगा, वरना तो भाई सड़क पे तो भाई ये लोग जिंदा नहीं छोड़ेंगे मेरे को। अरे भाई ये कहीं छक्का लग गया भाई, इसका बच गई, अबे छोड़ दे भाई, बसंती नहीं हूँ जो मेरे पीछे भाई नाकू की तरह लगे हो सालो। अरे तेरी भैंस की टांग पीछे से टक्कर मार रही है भाई, हद है यार। अरे 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 रुक जा बेटा रुक जा, अरे बेटा रुक जा, अरे बेटा रुक जा बेटे बेटे रुक जा भाई, ये 4 पेटियों भाई है क्या ये, आखिरी में मैं देख के रहूंगा भाई, इन पेटियों के चक्कर में तो बैंड बजने वाली है मुझे लग रहा है। अरे भाई जहाज के नीचे से काटूंगा मैं, यस यस सालो, अब आके दिखाओ मुझे गाइस, मुझे लग रहा है भाई अब नहीं आ रहे ये लोग, हाँ अब नहीं आ रहे भाई, हवाई जहाज के नीचे नहीं आ सकते ये लोग गाइस, ये सही है भाई, इसी लाइन पे रहेंगे गाइस हम, जिससे कि हवाई जहाज आते रहेंगे भाई, गाड़ियां नहीं आएंगी इनकी पुलिस वालों की, हवाई जहाज की वजह से गाइस इनको डर लग रहा है, या फिर कुछ भाई इनकी सिक्योरिटी रूल्स वगैरह हो सकती है, रनवे पे नहीं जाना है, वहीं पे देख रहे हो वो मटक रही है भाई, पीछे मटक रही है, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं आ रही है, सेफ प्लेस ढूंढ लिया हमने, बहुत ही शानदार। आने दो भाई आने दो, पीछे दो दो हेलीकॉप्टर आ रहे हैं, एक हवाई जहाज भी आ रहा है, मेरी छाती पे और निकाल दो सालो, 10 सेकंड और निकालिए गाइस, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप गाइस, टाइम अप। Oh wow! Finally $35,000. Oh my God, guys! Oh my God! बच गए भाई, बच गए। निकलते हैं भाई हवाई जहाज में घुस लो। ओ पुलिस भी गायब हो गई भाई, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अब क्या दिक्कत है भाई? अब क्यों भागेंगे भाई? अब तो बैंड बजा दी भाई सबकी। अरे 2-4 हजार भाई एक्स्ट्रा भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कितना ही महंगा टिकट हो। तो बस यार गाइस, आज के लिए इस वीडियो में इतने रखते हैं, मैं भाई थोड़ी पायलट वाली ट्रेनिंग कर लेता हूँ, तुम वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चल भाई उड़ जा उड़ जा उड़ जा भाई उड़ जा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे भाई बहुत अच्छे। अबे नीचे कहाँ जा रहे हैं?